हेलो माई डियर स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हाउ आर यू ऑल टूडे वेलकम टू आर थर्ड इंग्लिस क्लास टूडे इन आर इंग्लिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस आर टॉपिक पंचुएशंस सो बेटा पंचुएशंस के बारे में अब तक हमने जाना कि पंचुएशंस क्या होती हैं जैसे हमारा कॉमा है फुल स्टॉप है सेमिकोलन है अपोस्ट ऑफी है तो ये सारे हमारे क्या होते हैं पंचुएशन्स होते हैं So, फिर हमने जाना कि जो हमारे पंचुएशन मार्क्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो जिस प्रकार से यदि आप सामने देखेंगे तो आपके पास दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं क्या इन सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस है पढ़िए इन्हें so, नहीं है इनमें कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं है लेकिन यदि हम एक पंचुएशन मार्क कोमा का यूज करते हैं दोनों ही सेंटेंसेस में हमने कोमा का यूज किया है तो क्या इनमें अभी कुछ डिफरेंस बन रहा है देखिए जरा जी हाँ बिल्कुल इन दोनों में हमारा डिफरेंस है पहला जो सेंटेंस है ये है रोको रोको के बाद हमने यहां पर कोमा लगाया है इसका मतलब कि वहाँ हमें थोड़ा सा रुकना है सो रोको मत जाने दो रोको को हम अलग पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ा सा रुकेंगे और मत जाने दो उसके बाद पढ़ रहेंगे जबकि यदि हम दूसरा सेंटेंस देखें रोको मत जाने दो पहले जो दो वर्ड्स हैं हमारे रोको मत उसके बाद हमारा कोमा लगा हुआ है तो पहले दो वर्ड्स को हम एक साथ पढ़ेंगे बाद वाले जो दो वर्ड हैं इनको एक साथ पढ़ेंगे रोको मत जाने दो तो आपने देखा इन दोनों ही वाक्यों का जो मीनिंग है वो एकदम से चेंज हो गया है केवल कोमा की जो पोजीशन थी वो हमने चेंज की है पहले में कह रहा है रोको मत जाने दो जबकि दूसरे में रोको मत जाने दो सो देखा दे बेटा हमारी जो पंचुएशंस होती हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं सो so, आज हम उन्हीं को रिवाइज करते हैं पंचुएशंस सो so, सबसे पहले हमने देखा था कि किस प्रकार से हम जो सेंटेंसेस हैं उनके हमारे रूल्स होते हैं कि जैसे हम पहला जो लेटर होता है उसको हम कैपिटल लिखते हैं और सेंटेंस को एंड होने के बाद हम एंडिंग साइन का यूज़ करते हैं और कॉमास का प्रॉपर यूज़ करते हैं तो देखिए इन्होंने जो लिखा है इसमें क्या क्या गलतियां हैं आप इन्हें छाटने की कोशिश करेंगे यस वेरी गुड आई बिलीव आप सभी ने इन्हें पता लगा लिया होगा कि इन्होंने कहीं भी फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया है सेंटेंस को कहीं पर भी एंड नहीं किया है और दूसरा जो सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है उसे कैपिटल लेटर्स यूज़ उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं किया है और जो प्रॉपर नाउन हमारा है उसमें भी इसने कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं किया है तो एंडिंग साइन और कैपिटल लेटर्स का इसने वहाँ पर मिस्टेक की है तो चलिए हम इन्हें करेक्ट करते हैं सो आई लाइक टू ड्रॉ कोमा पेंट एंड प्ले तो यहाँ पर क्या था कि हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं आई लाइक टू ड्रॉ पेंट एंड प्ले तो हमें इन्हें कोमा से सेपरेट करना चाहिए था ड्रॉ और पेंट को और प्ले के बाद हमें क्योंकि हमारा यहाँ पर सेंटेंस एंड हो रहा है तो एंडिंग साइन हमें लगाना था और ये हमारा सिंपल सेंटेंस है तो हम क्या लगाएंगे यस वेरी गुड फुल स्टॉप का हम यहाँ पर यूज़ किएंगे नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो सेंटेंस जब एक बार खत्म हो जाता है तो नेक्स्ट सेंटेंस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर का यूज करते हैं तो नेक्स्ट में हमने वट का जो डब्ल्यू है वो कैपिटल में लिखा वट डू यू लाइक टू डू और उसके बाद हमने एंडिंग साइन क्या लगाया है यस वेरी गुड क्वेश्चन मार्क का हमने यूज किया है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था हमसे इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क से हमने सेंटेंस को एंड किया है नेक्स्ट देखते हैं My best friend is Alia. तो इसमें क्या चेंज किया है हमने यस yes. हमने जो फर्स्ट लेटर था उसको हमने कैपिटल में लिखा है माई बेस्ट फ्रेंड इज़ आलिया और आलिया जो कि एक प्रॉपर नाउन है किसी का नाम है प्रॉपर नेम है इसलिए हमने आलिया का ए भी यहाँ पर क्या किया है कैपिटल में किया है और लास्ट में हम क्या ये हमारा सिंपल सेंटेंस है तो लास्ट में क्या लगाएंगे वेरी गुड फुल स्टॉप को हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हु इज योर बेस्ट फ्रेंड तो यहां पर भी क्या मिस्टेक थी यहां पर हमने डब्ल्यू वहां पर कैपिटल में नहीं लिखा हुआ था तो यहां पर हमने डब्ल्यू कैपिटल में नहीं लिखा हुआ था उसको हमने कैपिटल में लिखा है और एंडिंग साइन यहां नहीं लगा हुआ है उसको भी हमने लगाया है सो हु इज योर बेस्ट फ्रेंड तो यहां पर अगेन हमसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम एंडिंग साइन में क्या लगाएंगे वेरी गुड क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं पंचुएशन मार्क्स वेयर टू पोज पंचुएशन मार्क्स हमें बताते हैं कि कहां पे हमें रुकना है, है, है. ज्यादा देर तक रुकना है एंड हाउ टू स्टार्ट सेंटेंस और किस प्रकार से हमें एक सेंटेंस को स्टार्ट करना है सो so, हमने देखा कि किस प्रकार से हम पोज देंगे तो पोज के लिए किसका यूज करते हैं हम कोमा का यूज करते हैं जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं या दो सेंटेंसेस होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं और वेयर टू स्टॉप स्टॉप कहाँ करते हैं हम या yes, जब हमारा एक सेंटेंस एंड होता है तो वहां पर हम स्टॉप करते हैं वहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और उसे हम कैसा शो करते हैं वेरी गुड एंडिंग साइन से शो करते हैं और एंडिंग साइन क्या क्या होते हैं हमारे जैसे फुल स्टॉप है क्वेश्चन मार्क है ये हमारे एंडिंग साइंस होते हैं तो इनका हम

इन सेंटेंस एक सेंटेंस में विद लिस्ट ऑफ थिंग्स जहाँ पर कई चीजें वहाँ पर हमारे पास लिखी गई हों, यूज कोमा तो उन्हें हम अलग करने के लिए किसका यूज करते हैं कोमा का यूज करते हैं बिटवीन द वर्ड इन द लिस्ट जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं लिस्ट में जैसे आई हैव पेन पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर इन मैजमेट्री बुक्स हम ये कह सकते हैं तो उसमें हम पेन pen, पेंसिल शॉपनर इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग करने के लिए क्या किसका यूज़ करेंगे यस yes, कोमा का यूज़ करेंगे क्योंकि वो हमारे आइटम्स की लिस्ट है जो कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हैं इसी प्रकार से यहाँ देखिए आई रीड ड्रॉ राइट एंड प्ले एट स्कूल तो यहाँ पर भी हमने देखा हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं कि मैं रीड भी करता हूं ड्रॉ भी करता हूं राइट भी करता और प्ले भी करता हूं तो हमने क्या किया है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको अलग करने के लिए जो लिस्ट है आइटम्स की उनको हमने अलग करने के लिए किसका यूज़ किया है कोमा का यूज़ किया है आई रीड कोमा ड्रो कोमा राइट कोमा एंड प्ले एट स्कूल सो यहाँ पर हम जो पहले वाले जो हैं इनमें इनको अलग करने के लिए कोमा का यूज़ करेंगे और लास्ट वाला जो है उसको अलग करने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं राइट right के बाद जो कोमा है जो लास्ट आइटम के बाद हम कोमा लगाते हैं उसको हम यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते दोनों ही केस में हमारा राइट होता है नेक्स्ट देखते हैं वी बोट पेंसिल्स कोमा क्रिय एंड बुक्स फ्रॉम द शॉप सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स है हमारे पास पेंसिल्स है हैं और बुक्स हैं तो तीनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने कोमा का यूज यहाँ पर किया है पेंसिल्स कोमा क्रियन कोमा एंड बुक्स तो यहाँ पर आप क्रियान्स के बाद जो कोमा है उसको यूज कर भी सकते हैं नहीं करेंगे तो भी राइट है लेकिन पेंसिल्स के बाद हम कोमा अवश्य लगाएंगे तो जो पहले आइटम्स हैं उनको आप चाहे कितने ही आइटम हो हम कोमा लगा के उसको सेपरेट कर सकते हैं और जो लास्ट का जो भी आइटम होगा उसे हम एंड का की मदद से यूज करेंगे चलिए इसके बाद हमारे पास यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं चलिए इन्हें देखते हैं यहाँ पर कुछ करेक्शंस हैं तो उन्हें हम करके देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट मे आई कम इन सर सो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? गुड yes, यहां पर जो हमारा आई है ये हमारा कैपिटल लेटर्स में आएगा कम इन सर और क्या मिस्टेक है यस yes, यहां पर हमारा एंडिंग साइन भी नहीं लगा हुआ है तो यहां पर मिस्टेक्स हैं तो क्या ये हमारा सही है ये हमारा सही नहीं है तो इसको हम यहां पर रॉन्ग मार्क किया है हमने सेकंड देखते हैं डेली इज माय फेवरेट सिटी डेली इज माय फेवरेट सिटी कि जो डेली है ये मेरी फेवरेट सिटी है सो so, यहां पर क्या मिस्टेक इसने की है पता लगाएं यस वेरी गुड यहाँ पर इसने जो ये एंडिंग साइन है इसको यहाँ पर प्रॉपर नहीं किया है क्योंकि ये हमारा एक सिंपल स्टेटमेंट है तो यहाँ पर एंडिंग साइन के रूप में हम क्या यूज करेंगे केवल एक फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे ना कि क्वेश्चन मार्क का तो इसलिए हमारा ये भी क्या हो गया है रॉन्ग हो गया है थर्ड देखते हैं रोहन नीड्स अ पेंसिल कोमा एंड इरेजर कोमा एंड अ नोटबुक तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहन जो है उसको चाहिए पेंसिल चाहिए इरेजर चाहिए और नोटबुक चाहिए तो हमने देखा कि हमने फर्स्ट वाले जो दो हैं इनको सेपरेट किया है कोमा से और लास्ट वाले को हमने एंड से सेपरेट किया है तो क्या ये हमारा सही है और लास्ट में हमने यहाँ पर जो एंडिंग साइन है फुल स्टॉप उसका भी यूज़ किया है तो क्या हमारा ये सेंटेंस सही है यस वेरी गुड ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन वी आर गोइंग टू सी द ताजमहल अब यहां पर अगर हम देखें तो वी आर गोइंग टू तो सी द ताजमहल लास्ट में फुल स्टॉप भी लगाया सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल सही है होना चाहिए लेकिन क्या इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है आपको ये वेरी गुड इसमें जो ताजमहल है ये हमारा प्रॉपर नाउन है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें हम जो कैपिटल लेटर्स के अंदर ताजमहल लिखेंगे तो ताजमहल का टी और महल का जो एम है वो हम यहाँ पर कैपिटल में लिखना चाहिए था लेकिन वो हमने नहीं लिखा है तो ये हमारा क्या हुआ ये हमारा रॉन्ग है नेक्स्ट देखते हैं हाउ आर यू फीलिंग टुडे हाउ आर यू फीलिंग टुडे कि आपको आज कैसा महसूस हो रहा है सो so यहाँ पर हम देखते हैं हमने सेंटेंस को स्टार्ट किया है तो यहाँ पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है एंड में हमने एंडिंग साइन भी लगाया है और एंडिंग साइन हमने क्वेश्चन मार्क किया है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ आर यू फीलिंग कि आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं तो क्या ये हमारा करेक्ट है यस वेरी गुड ये हमारा करेक्ट है चलिए नेक्स्ट है. देखते हैं पोस्ट ऑफिस सो अब पोस्ट के बारे में हम अगर बात करें अगर हम बात करें अब के बारे में तो अब का यूज हम कहा करते हैं लेथ सी यू हैव लर्न दैट आप सभी ने ये सीखा है अभी तक दैट कि Is used with an S. जो ऑफिस होता है वो हमारा एस के साथ यूज होता है टू शो बिलोंग्स टू समय को शो करता है कि कोई भी जो है वो किससे ताल्लुक रखती है या वो किसकी है जैसे अगर आपको किसी की पेंसिल मिलती है तो आप क्या कहते हो हु पेंसिल इज दिस जो पेंसिल है ये किसकी है किससे बिलोंग करती है या फिर आपको इरेजर मिलता है तो आप कहते हो दिस तो वहां पर जो एस है उसको हम बिलोंगिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो वही जो बिलोंगिंगनेस है ये यहाँ पर हम ऐसे शो करते हैं जब आपको कोई आपका फ्रेंड होता है तो वो क्या कहता है दिस इज रिथित पेंसिल या फिर दिस इज जतिन पेंसिल या दिस इज जियाज पेंसिल तो वो हमें बताता है तो वहाँ पर वो अपोस्ट्रॉफी एस का ही यूज़ करता है जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ग्रैंड मदर फादर्स बर्थडे ग्रैंड फादर का बर्थडे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एस से पहले अपोस्ट्रॉफी लगाया है ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर का यहाँ पर देखें द बॉयज सॉक्स अब यहाँ पर भी हमने बॉय और एस के बीच में वाई और एस के बीच में अपोस्ट्रॉफी लगाया है बॉयज सॉक्स तो यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रॉफी हम लगा रहे हैं इसका जो यूज है वो बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए हम कर रहे हैं चलिए तो आगे हम देखते हैं रीड दिस सेंटेंसेस इन सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है देन सर्कल द वर्ड्स इन विच एन पोस्ट ऑफिस इज यूज टू शो पोजिशन उसके बाद हमें सर्कल करना है उन वर्ड्स को जहाँ पर पोजिशन दिखाने के लिए हमने इसका यूज़ किया है इफ़ ए सेंटेंस हैज नो सच वर्ड्स राइट एन ए तो वहां पर हम एन ए लिखेंगे तो चलिए इस एक्सरसाइज को देखते हैं सबसे पहले है दिस इज़ माई ग्रैंड फादर्स सॉरी ग्रैंड पेरेंट्स हाउस दिस इज़ माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं यहाँ पर तो अपोस्ट का यूज़ किया गया है तो क्या ये अपोस्ट का यूज सही है क्या ये हमें बिल पोजेशन को शो करने के लिए बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए दिखाया गया है यस yes, बिल्कुल सही ये हमें दिखाया गया है तो ये आप राइट करेंगे और यहाँ पर जो ग्रैंड है इसको हमें क्या करना है ये yeah, सर्कल करना है कि यहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स है सॉरी ग्रैंड फादर नहीं ग्रैंड पेरेंट्स है ग्रैंड पेरेंट्स है ये हमें बता रहा है कि जो हाउस है किससे बिलोंग करता है किसका पोजिशन है इस पर ग्रैंड फादर्स पेरेंट्स का है तो ग्रैंड पेरेंट्स को यहाँ पर सर्कल करेंगे सेकेंड देखते हैं दिस इज रियाज नोट बुक सो यहाँ पर भी एस लगा है और ये बुक की बिलोंगिंगनेस को शो कर रहा है बुक के पोजिशन को शो कर रहा है तो रियाज को भी आप यहाँ पर सर्कल करेंगे क्योंकि ये भी पोजिशन को शो कर रहा है थर्ड देखते हैं आई डोंट लाइक मेसी कबर्ड्स आई डोंट लाइक मेसी कबर्ड्स तो यहां पर जो अपोस्टोफी है क्या ये पजिशन को शो कर रहा है नहीं ये हमारा पजेशन को शो नहीं कर रहा है ये हमारा डू नोट की जो शॉर्ट फॉर्म है उसके लिए यहां पर यूज़ किया गया है एन एन नोट का हमने ओ हटाया है और डू और नोट को कंबाइन करके यहां पर लिखा है फोर्थ देखते हैं दिस इज माई डॉग्स कॉलर दिस इज माई डॉग्स कॉलर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डॉग्स कॉलर कॉलर है है तो यहां पर भी जो है, उसके के बारे में बता रहा है तो यहाँ पर भी ये हमारा पोजिशन के लिए यूज हो रहा है सो so, डॉग्स को आप सर्कल करेंगे नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ आई कैप द बुक ऑन रोहनस डेक्स अब यहाँ पर अगर हम देखें तो रोहनस डेक्स है तो यहाँ पर भी पोस्ट का यूज किया गया है और वो रोहन जो डेक्स है उसका जो पोजीशन है या फिर उसका उसकी जो बिलोंगिंगनेस है उसको शो करने के लिए यहां पर दिखाया गया है तो इसको भी आप क्या करेंगे सर्कल करेंगे रोहन को तो चलिए बेटा आगे देखते हैं Let us look at some other rules. कुछ और जो रूल्स हमारे होते हैं टू फॉर्म वर्ड्स दैट शो बिलोंगिंगनेस और पोजिशन जो कि बिलोंगिंगनेस और पोजिशन को दिखाते हैं तो उनका हम किस प्रकार से यूज करते हैं सो so, यहां देखिए वेन यूजिंग पजिशी फॉर्म ऑफ प्लोरल नाउन्स जब हम जो प्लूरल नाउन् हमारे होते हैं उनको यूज़ उनके लिए यूज़ करते हैं दैट एंड एस जो कि हमारे एस से एंड होते हैं पुट अपोस्टोफी आफ्टर द नाउंस फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम सिंगुलर नाउन जब होता है हमारा बॉय तो हमने बुए लिखा और अपोस्टोफी ऐसा लिखाना है हमें कहना है कि बोयज़ पेंसिल तो यहाँ पर हम एस लिखते हैं और यहीं पर अपोस्टोफी लगा देते हैं लेकिन अगर एक से ज्यादा हैं हमारे पास बॉयज हैं और उनका हमने पोजिशन दिखाना है तो हमने क्या लिखा बौई। और बौई जो है उसका उससे रिलेशन दिखाना है उसका दिखाना है तो apostrophe जब हम लगाते हैं तो जो वर्ड एस से एंड होता है उसको अपोस्ट्रोफी लगाने के लिए उसके बाद हम एस नहीं यूज करते हैं उसके एस के बाद ही केवल अपोस्ट्रोफी लगा देते हैं तो इसी प्रकार से अगर आप ये एग्जांपल्स देखेंगे द बॉयज bags. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉयज बैग बॉयज़ है एस पहले से लगा हुआ है तो एपोस्ट्रॉफी हम केवल एप्पोस्ट्रॉफी लगाएंगे उसके बाद एस नहीं लिखेंगे गर्ल्स शूज़ तो गर्ल्स के बाद भी हमने देखा एक से ज्यादा गर्ल्स के लिए हम यूज कर रहे थे तो अपोस्ट्रॉफी केवल लगाएंगे Horses horses भी हमारा s से एंड हो रहा है तो उसके लिए भी हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे s उसके बाद नहीं लगाएंगे बेबीज बेबीज के लिए भी हम देख रहे हैं केवल हम अपोस्टो लगाएंगे अपोस्टोफी के बाद जो एस लगता है उसको नहीं यूज कर रहे हैं सो so, बेबीज बेबीज के उसका दूसरा हम देखते हैं जो प्लूरल होते हैं जो हम एस का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैन है तो मैन को हम एम ए एन मैन होता है एक मैन प्लुरल बनाएंगे तो क्या लिखते हैं वेरी गुड एम ई एन हम उसको लिखते हैं तो बेटा उसको हम जब एम ई एन मैन लिखते हैं तो हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे तो ये हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से लिखेंगे सो एम एन मैन एक मैन होता है एम ई एन मैन जो होता है वो एक से ज्यादा मैन होते हैं तो अगर हम मैन की बात करें so जब हम एम ई एन लिखते हैं तो ये हमारा एस एन नहीं होता है लेकिन ये प्लुरल तो है तो इसमें हम क्या करेंगे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस दोनों का ही यूज करते हैं तो इसी प्रकार से यहां पर एग्जाम्पल्स देखिए आप वोमेन तो वोमेन्स में भी आपने देखा वोमेंस में हमने अपोस्टॉफी लगाया है और एस लगाया है चिल्ड्रन अब चाइल्ड होता है एक जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं चाइल्ड कहते हैं और एक से ज़्यादा होते हैं तो क्या कहते हैं चिल्ड्रन कहते हैं सो so यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो चिल्ड्रन जो है एक से ज़्यादा बता रहे हैं लेकिन ये ऐसे एंड नहीं हो रहा है तो इसलिए इसको हम यहाँ पर अपोस्टॉफी भी लगाएंगे और एस भी लगाएंगे ठीक है तो अब देखते हैं बर्ड्स नेस्ट तो यहाँ पर भी बर्ड्स है अपोस्टोफी एस के साथ लगाएंगे क्योंकि ये एक बर्ड का नेस्ट हम मान के चल रहे हैं तो इसको ऐसे लगा सकते हैं अगर हम ये मान के चलें कि ये एक से ज़्यादा बर्ड्स हैं उनके नेस्ट्स हैं तो यहाँ पर आप अपोस्टोफी कहाँ लगाएंगे इसके बाद लगाएंगे तो दोनों ही केसेस में ये राइट होगा लेकिन अगर हम डी और एस के बीच में अपोस्टोफी लगाते हैं तो उसका मतलब एक बर्ड का नेस्ट है वो और अगर हम एस के बाद लगाते हैं तो बर्ड्स नेस्ट हैं तो ये एक से ज़्यादा बर्ड्स का ठीक है देखते हैं हैट्स यहां पर अगर हम देखें तो है तो यहां पर एन और एस के बीच में हम लगाएंगे हैट का हैट अगला देखते हैं toys, तो चिल्ड्रॉय पर भी हम एन और एस के बीच में यहां पर अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे चिल्ड्रंस टॉय चलिए आगे देखते हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रॉफी टू मेक शॉर्ट फॉर्म्स अब हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने के लिए भी इसका जो अपोस्ट्रॉफी है उसका यूज़ कर सकते हैं जैसे आई एम है तो आई और एम ए को हम लैप्स कर देंगे यहाँ पर एक ही जगह पे अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे यू आर नोट रीडिंग तो यू आर नोट है आर नोट के लिए हम आर नोट दोनों को कमेंट कर देंगे नोट का ओ हटा देंगे वहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं डेड नोट है उसके लिए भी हम यही करते हैं डिटेंट लिख देते हैं नोट का ओ हटा के अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं सो so, जब हम जो फॉर्म्स बनाते हैं तो उसका जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है रिमूव द लेटर ओ द वर्ड नोट तो नोट आर नोट को हम यहाँ पर बना रहे हैं तो नोट का जो ओ है उसको हम हटा रहे हैं अपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं सो जहाँ से हमने ओ को हटाया है वहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं अपोस्ट का यूज़ कर रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं आर को और जो हमने नोट में अपोस्ट लगाया है दोनों को और उसको हम क्या लिखेंगे आर नोट और एन और टी के बीच में अपोस्टी लगा देंगे चलिए आगे हम देखते हैं हमारे द मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर शॉर्ट फॉर्म्स इन कॉलम बी तो कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मैच करना है वन हैज बीन डन फॉर यू आपके लिए यहां पर एक किया गया है सो so, यहां पर देखिए हम आर नोट आर नोट का हम कैसे बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म यस वेरी गुड आर और जो नोट है उनको दोनों को कंबाइन करेंगे नोट का जो ओ है उसको हटा के वहाँ पर अपोस्ट लगाएंगे तो यहाँ पर कौन सा इसके साथ मैच कर रहे हैं हम बीस के साथ इसको मैच कर रहे हैं आगे देखते हैं डज नोट डज नोट में भी हम क्या करेंगे डज और नोट का ओ हटाएंगे और वहाँ पर अपोस्ट लगा देंगे डज नोट सो यहाँ देखिए डज नोट डेड नोट है अगेन वही काम करेंगे हम नोट का ओ हटाएंगे और अपोस्ट लगा देंगे तो डेड नोट नेक्स्ट देखते हैं इज नोट इज नोट में भी वही करेंगे नोट का ओ हटाएंगे और अपोस्ट लगाएंगे ओ की जगह पर और टी लिख देंगे इज नोट तो दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं आगे देखते हैं मस्ट नोट मस्ट नोट में भी सेम ही हम करेंगे नोट का ओ हटा के वहां पर अपोस्ट लगाएंगे और उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख देंगे मस्ट नोट तो चलिए आगे हमारे पास कुछ एक्सरसाइज है जिसमें आपने चेंज करना है इन शॉर्ट फॉर्म्स में आई विल आई विल है डब्ल्यू आई को हटा देंगे हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे आई विल यू विल है डब्ल्यू आई को हटाएंगे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे यू विल ही विल है उसमें कैसे करेंगे यस वेरी गुड डब्ल्यू आई को हटाएंगे एपोस्ट्रोफी लगा देंगे वहां पर ही विल सी विल है सेम है डब्ल्यू आई को हटाएंगे एपोस्ट्रोफी लगाएंगे सी विल वी विल है उसमें भी वही करेंगे हम डब्ल्यू आई को हटाएंगे दे विल है विल के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं सेम कर रहे हैं डब्ल्यू आई को हटा रहे हैं अब पोस्ट लगा रहे हैं विल आई एम ए को हटाएंगे एक ही जगह अब लगा देंगे आई एम यू आर यू है ए यहाँ पर लैप्स हो जाएगा ए हट जाएगा यू आर अब लगाएंगे एक ही जगह पर आगे देखते हैं ही इज इज में हम आई को हटा रहे हैं आई की जगह पर apostrophe लगा रहे हैं और ही इज सी is में सेम है आई को हटा रहे हैं apostrophe लगाएंगे सी इज वी आर है ए को हटाएंगे वी आर और एक ही जगह पर apostrophe लगाएंगे दे आर है अगेन हम ए को हटा रहे हैं एक ही जगह पर apostrophe लगा के दे आर सो इस प्रकार से आपने चेंज करना है तो, rewrite द sentences यूजिंग शॉर्ट फॉर्म्स तो यहां पर आपने शॉर्ट फॉर्म्स को यूज करना है और इन्हें लिखना है आई विल फिनिश माई वर्क ऑन वर्क नाउ सो यहाँ पर हम अंडरलाइन वर्ड क्या है आई विल है तो आई विल को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यस yes. आई apostrophe लगाएंगे डबल एल लिख देंगे will आई विल फिनिश माई वर्क नाउ सेकेंड लिखते हैं यू आर ए गुड स्टूडेंट तो यू आर को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है तो कैसे लिखेंगे हम यू कंप्लीट लिखेंगे आर के ए को हटा देंगे और आर को इसके साथ कंबाइन कर देंगे अपोस्ट्रोफी लगा के यू आर नेक्स्ट देखते हैं यू मस्ट नोट अब मस्ट नोट है तो मस्ट नोट के अंदर हम क्या करेंगे सो यू मस्ट नोट स्पीक रूडली तो मस्ट नोट है मस्ट नोट को जो अंडरलाइन किया गया है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कैसे लिखेंगे मस्ट और नोट नोट का ओ हटाएंगे और पोस्ट लगा देंगे मस्ट नोट ठीक है इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ वी आर नोट लेट अब यहां पर आर नोट को अंडरलाइन किया गया है तो आर नोट को कैसे लिखेंगे नोट का ओ हटाएंगे और आर और नोट दोनों को कंबाइन करके ओ की जगह पर पोस्ट लगाएंगे आर नोट फिफ्थ देखते हैं ही डिड नोट प्ले विद अस डिड नोट प्ले है वही करेंगे हम डिड और नोट को कंबाइन हमें करना है उससे पहले हम नोट का ओ हटा देंगे वहां पर आप लगाएंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे डिड नोट प्ले विद आस। so, अगले हम एक्सरसाइज देखते हैं बेटा रीड सेंटेंसेस प्लेस द अपोस्टी करेक्टली टू शो पोजेशन तो यहां पर आपने क्या करना है करेक्ट पोजेशन को शो करने के लिए आपको इसे कंप्लीट करना है तो चलिए देखते हैं आई ड्रिंक काउज मिल्क तो काउज मिल्क है सो so यहाँ पर काउस है तो W और S के बीच में हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा देंगे सेकेंड देखते हैं दिस इज जिया जिया की डेस्क है सो so, जिया है तो जिया के ए और एस के बीच में हम अपोस्टोफी का यूज़ करेंगे आगे देखते हैं माई ब्रदर्स बर्थडे इज नेक्स्ट वीक सो ब्रदर्स है यहाँ पर तो ब्रदर्स है तो एस और आर के बीच में हम अपोस्टोफी लगाएंगे अगला देखते हैं जेम्स टेक्स्ट बुक वाज इन हिज बैक पैक अब हमने देखा था कि जो भी सेंटेंस हमारा एस से एंड होता है उसमें हम केवल अपोस्टोफी का यूज़ करते हैं एस नहीं लगाते हैं तो जैसे ये जेम्स है तो जेम्स हमारा एस से एंड हो रहा है ये लास्ट में तो यहां पर हम केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे एस का यूज नहीं करेंगे फिफ्थ देखते हैं वी हैड गोन टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म फॉर अ पिकनिक सो पर देखें अब यहां पर वी हैड है वी हैड अब जो वी हैड है सॉरी वी हैड गोन टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर्म फॉर अ पिकनिक तो हम गए थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म पे गए थे पिकनिक के लिए तो यहाँ पर जो फार्म है उसका रिलेशन हम दिखा रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स से तो यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स में कहाँ पर हम टी लगाएंगे यस yes. यहाँ पर हम एस के बाद केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स तो यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे एस के बाद यहाँ पर हम उसके बाद एस नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एस से एंड हो रहा है तो अगला देखते हैं बेटा मस्ट नोट आई विल हेल्प यू अब यहां पर आई विल है आई विल को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे आई डबल एल और बीच में अपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे आई विल हेल्प यू वी आर गोइंग टू द मार्केट वी आर है इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे वी आर ए को लैप्स करेंगे अपोस्ट्रॉफिक यूज करेंगे अगला देखते हैं डू नॉट क्रॉस द रोड रेड लाइट सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे डू नोट है डू नोट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे ओ हटाएंगे नोट का दोनों तो को कंबाइन करेंगे और अपोस्ट का यूज करेंगे वी सो डू नोट दे आर टायर्ड दे और आर को हम कंबाइन करेंगे ए को हटा देंगे और उसके बाद हम जिसे कंबाइन करके लिख देंगे अगला देखते हैं सिविल कम होम टू मोरो तो सिविल है सिविल को कैसे करेंगे हम यस yes, अब लगाएंगे और डबल एल लगा देंगे सी विल कम होम टू बोरो ही इज नॉट कमिंग टू बोरो अब यहां पर इज नोट है इज नोट को कैसे आप कंबाइन करेंगे यस yes. सेम वही प्रोसीजर हम करेंगे इज नॉट गोइंग टू मोरू सो नोट का ओ हटा के अब लगा रहे हैं एट्थ है आई कैन नोट अन्टाई दिस नोट अब कैन नोट है कैन नोट में हम क्या करते हैं यस yes. कैन नोट में हम सी एन अपोस्टोफी और टी लगा देते हैं कांट एंड दिस नोट आगे देखते हैं वी आर गोइंग टू मीट अवर ग्रैंड पेरेंट्स तो यहां पर वी आर है तो इसको भी अपोस्टी लगाएंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे अगला देखते हैं हु इज एट द डोर हु इज कुछ दोनों को कंबाइन कर रहे हैं अपोस्टोफी लगा के हु इज एट द डोर सो बेटा अगला है पंचुएट दीज सेंटेंसिस यूज द अपोस्ट्रॉफी रिक्वायर्ड तो यहाँ पर देखिए आप पंचुएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होता है कैप्टल लेटर्स स्टार्ट होगा एंडिंग साइन हमारा होगा जहाँ पर भी हम दो लेटर्स को आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसके लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं या फिर कहीं पर जब पोजेशन दिखाया जाता है तो हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं सो वेयर आर यू गोइंग तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे वेअर और आर दोनों को कम्बाइन किया है और अपोस्ट्रॉफी का यूज किया है ए को हटाया है वेयर आर यू गोइंग आई एम फीलिंग होट और यहां पर क्योंकि ये क्वेश्चन से एंड हो रहा था बेटा इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज किया है सेकंड देखते हैं आई एम फीलिंग होट अगेन हमारा लेटर जो स्टार्ट होगा सेंटेंस कैपिटल लेटर से होगा आई एम दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो किसका यूज करेंगे यस yes, अब का यूज करेंगे और लास्ट में हम एंडिंग साइन का यूज करेंगे अगला देखते हैं हुर्रे वी वोन द मैच अब ये हुर्रे है अब ये हमारी एक इंटरजेक्शन है तो हम यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सप्लेशन का यूज़ करते हैं और हुर्रे के जो एच है उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे लास्ट में हम एंडिंग साइन लगाएंगे हुर्रे व्यू बॉन द मैच नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ देयर इज देयर अ पेंसिल अ बुक एंड इरेजर ऑन माई टेक्सट तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कई चीज़ें दी गई हैं तो उनको हम से सेपरेट करेंगे सेंटेंस का स्टार्ट जो हम करेंगे वो हम किससे करेंगे कैपिटल लेटर so से देयर अब देयर से देयर इज है तो एस के बीच और ई e के बीच में हम अपोस्ट का यूज करेंगे देय अ पेंसिल अब हमने आइटम्स को डिफ्रेंशिएट करना है तो कोमा का यूज करेंगे पेंसिल के बाद कोमा लगाएंगे अ बुक एंड एन इरेजर ऑन माई डेस्क और लास्ट में क्या लगाएंगे यस फुल स्टॉप का यूज करेंगे नेक्स्ट देखते हैं गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर सो यहाँ पर हम देखें गेट मी है तो यहां पर जो जी है वो हम कैपिटल में लिखेंगे गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर और लास्ट में हम एंड करेंगे फुल स्टॉप से सो बेटा इन्हें नेक्स्ट देखते हैं सिक्स वन रोजेज लिलीज पॉपीज एंड डेजिज आर फ्लावर्स अब यहां पर जो ये रोजेस है लिलीज है पॉपिस है डीजीज है ये हमारे प्रॉपर नाउंस हैं तो इनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे रोजेज लिलीज पॉपीज एंड डेजिज फ्लावर्स उसके बाद ये हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो इनको हम कोमा से सेपरेट भी करेंगे। और लास्ट में हम यहां पर एंडिंग साइन का यूज करेंगे होता है, उसका हम में तो who का हम डब्ल्यू कैपिटल में लिखेंगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहां पर हम जो एंडिंग साइन है वो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे नेक्स्ट देखते हैं हाउ ओल्ड आर यू अब हाउ ओल्ड है इसका जो फर्स्ट लेटर है हाउ ओल्ड आर यू का वो हमारा क्या है एच है तो इसको हम क्या करेंगे कैपिटल में लिखेंगे और एंडिंग साइन जो है वो हमारा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का यूज़ करेंगे नाइन देखते हैं आई वेंट टू डेली मुंबई एंड चेन्नई अब अगेन यहाँ पर अगर हम बात करें डेली मुंबई और चेन्नई ये हमारे प्रॉपर नाउन है ये हमारे किसी सिटी के नाम है तो ये हमारे कैपिटल में आएंगे सेकेंड चीज़ यहाँ पर हमें नंबर ऑफ सिटीज दिया गया है तो हम इनके बीच में कोमा का भी यूज़ करेंगे सो so, सबसे पहले सबसे जो फर्स्ट लेटर है उसको हम कैपिटल लिखेंगे आई आई वेंट टू डेली आई वेंट टू Delhi. डेली का डी हम कैपिटल में करेंगे कोमा मुंबई का भी एम कैपिटल में करेंगे एंड चेन्नई का भी सी कैपिटल में करेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर एंडिंग साइन लगाएंगे सो फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल में लिखेंगे कॉमर्स का यूज़ करेंगे और लास्ट में एंडिंग साइन लगाएंगे टेंथ देखते हैं माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मीरा अब यहाँ पर अगर हम देखें सो so माई हमारा पहला लेटर है फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर है एम उसको हम कैपिटल में लिखेंगे एम वाई माई बेस्ट फ्रेंड इज मीरा अब मीरा जो है ये हमारा नाम है किसी लड़की का नाम है प्रॉपर नाउन है तो उसका जो एम है उसको भी हम कैपिटल में लिखेंगे और लास्ट में हम जो एंडिंग साइन है उसका यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है इसलिए हम यहां पर एंडिंग साइन फुल स्टॉप का यूज करेंगे सो बेटा नेक्स्ट जो हमारा है एक्सरसाइज ये एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है सो so, इसके अंदर अगर हम देखें तो ग्रैंडफादर और जो मिनी है उनकी कन्वर्सेशन हो रही है तो इन इस कन्वर्सेशन को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं इनको हम आंसर करना है तो so, सबसे पहले हम क्वेश्चंस भी देख लेते हैं तो यहाँ पर आपने देखना है कि किस प्रकार से जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका यूज़ किया गया है ठीक है सो so, इन्हें आपने अंडरलाइन करना है और इनके जो फुल फॉर्म है उसको लिखना है सो so, जैसे गुड मॉर्निंग मीनिंग गुड मॉर्निंग ग्रैंड फादर यू आर अप अर्ली अब यू आर है ये शॉर्ट फॉर्म है तो ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है हमारी यस वेरी गुड यू आर की यू और आर यस वी आर कमिंग टू सी यू हम आपसे मिलने आ रहे हैं तो वी आर है ये भी किसकी शॉर्ट फॉर्म है यस वी आर सो यहाँ पर आप अंडरलाइन करेंगे उसके बाद आई डोंट वॉन्ट टू मिस द ट्रेन अब ये डू और नॉट किसकी फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है ये यस डू नॉट कि हम ट्रेन को मिस नहीं करना चाहते यू आर एंट लेट कि तुम अभी लेट नहीं हो देर इज प्लेंटी ऑफ टाइम कि बहुत सारा समय अभी बचाओ प्लेंटी मतलब बहुत सारा सो आर नोट यहाँ पर भी आर नोट को फॉर्म में लिखा गया है आई स्टिल हैव टू पैक सम बुक्स अभी भी मुझे कुछ बुक्स को पैक करना है माई बैग इज रेडी ऑलरेडी सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट कि मेरा जो बैग है ऑलरेडी मतलब पहले से ही बहुत ज़्यादा हैवी है हैवी का मतलब भारी है दैट आई कैनोट लिफ्ट इट क्योंकि मैं उसे नहीं उठा सकती तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कैन नॉट को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कैंट आगे देखते हैं डोंट ब्रिंग योर बुक्स कि अपनी जो बुक्स हैं वो मतलब क्या हो यहाँ पर डू नोट है इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है तो इसको भी आप अंडरलाइन कर रहे हैं यू हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक्स फॉर यू सॉरी आई हैव यहाँ पर आई और हैव है आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी बुक्स फॉर यू मेरे पास बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं तुम्हारे लिए सो आई और हैव को यहाँ पर कंबाइन किया गया है नेक्स्ट देखते हैं थैंक यू ग्रैंड फादर आई विल सी यू सुन सो यहाँ पर देखिए बेटा आई विल सो आई विल को यहाँ पर फॉर्म में लिखा गया है कि ग्रैंड को धन्यवाद देती है थैंक यू ग्रैंड फादर आई विल कि मैं करूँगी सी यू सुन कि मैं तुम्हें आपसे जल्दी ही मिलती हूँ सो गुड बाय मिनी कम सुन We will have lots of fun reading stories कि हम बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं stories को padh ke so we will है so we और will है इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे तो बेटा आप इन्हें रिवाइज करेंगे अपने टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे थैंक यू हैव अ गुड डे ahead.